हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं, जो आप शिक्षा भर्ती पर कमेंट करते हैं उन पर वीडियो जरूर बनाता हूं। तो दोस्तों, शनिवार को पदवृद्धि के लिए आपने सपोर्ट किया सोशल मीडिया पर, और संडे को आपने जो ज्वाइनिंग आपकी रुकी हुई है उसे रीस्टार्ट करने के लिए आपने रीट्वीट किया दोस्तों, और लगातार आपकी जो मांग है वो ट्रेंड में बनी हुई है। इसके अलावा दोस्तों, हर जगह से ज्ञापन दिए जा चुके हैं जैसे आपको मालूम है, और जो हमारे मंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी अवगत कराया गया है ज्ञापन के माध्यम से दोस्तों। अब यहाँ पर ये आ जाती है कि हमारी काउंसलिंग कब से शुरू होगी दोस्तों। कल न्यूज़पेपर के हवाले से यही कहा गया कि तकनीकी कारण है, उसकी वजह से भी ये लेट हो रही। तकनीकी कारण में यही बताया गया कि बहुत से नियम क्लियर नहीं थे, जिससे कि बहुत से लोगों को होल्ड पर रखा गया। साथ में एमपी ऑनलाइन पर जो अपडेट दिया गया है दोस्तों, आपकी काउंसलिंग को स्थगित करने का, वो यही दिया गया कि आवागमन के साधन पूरे नहीं है। बहुत से जिलों में जो है कोरोना वायरस का इफेक्ट ज्यादा है। यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको समझनी होगी कि हमारे जो अन्य राज्य हैं मध्य प्रदेश से लगे हुए, वहां पर भी कोरोना वायरस का खतरा है, लेकिन वेरिफिकेशन और शिक्षक भर्ती से जुड़ी वहां पर कार्रवाई की जा रही है और ज्वाइनिंग की प्रोसेस आगे बढ़ाई जा रही है, तो हमारे मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? और यही ज्ञापन के द्वारा हमने मांग रखी थी नियम अनुसार, और यही आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी मांग रख रहे हैं, जितनी भी प्लेटफॉर्म है उनका यूज कर रहे हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हमको एक काम और करना है, क्योंकि आज मैं एक अपील लेकर और आया हूँ। ये तो आपको मालूम है दोस्तों कि हमारी जो काउंसलिंग है वो अटक चुकी है, और यहाँ पर कोई भी ऐसा क्लियर आंसर नहीं मिल रहा है जिससे कि हम ये कह सकें कि आपकी काउंसलिंग इस टाइम पर शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो कल एक आपके बीच में से ही है, मैं उनका नाम ले देता हूँ जिससे कि आप उनसे अवगत होंगे। श्री वृंदावन मीना जी, श्री वृंदावन मीना जी आपके बीच में से ही है दोस्तों, क्वालिफाइड हैं और आपके वेरिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत से कारणों के चलते वेरिफिकेशन स्थगित कर दिया गया, उसे रीस्टार्ट कराने के लिए वो आगे आए और उन्होंने एक चैनल स्टार्ट किया अपना। उनके चैनल का नाम भी श्री वृंदावन मीना जी है, और आप मेरे फेसबुक पेज से यदि जुड़े होंगे तो जितने भी मैसेंजर में मैसेज थे मैंने सबको लिंक शेयर की है, तो इनके चैनल से आपको जुड़ना है। कारण मैं बता देता हूं दोस्तों कि इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। इन्होंने कल ये बताया कि हमें हर जिले से एक इकाई तैयार करनी होगी जो कि हर समय एक्टिव रहे, और हम अपनी जो मांग रखते हैं वो नियम अनुसार सभी जिलों से एक साथ हो सके, तब ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि हमने ज्ञापन भी दिए तो अलग अलग डेट में अलग अलग जिलों से दिए दोस्तों। यदि हम एक साथ एक जगह और हर जगह से एक साथ कार्रवाई करें, एक साथ मांग करें, तो उसका असर ज्यादा होगा। इसके लिए हमें आपस में जुड़ना होगा दोस्तों, और एक साथ होकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे जमीनी स्तर पर हो, चाहे हर जिले से हो। जब हम एक साथ जुड़े होंगे, जब एक साथ हम कोई काम करेंगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, बजाय उसके कि हर जिले से कोई कभी ज्ञापन दे रहा है, कोई कहीं ज्ञापन दे रहा है, तो वो डेट्स होती हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, जिसका असर उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। तो इनका एक चैनल है और उस पर सब्सक्राइबर हैं, वो भी अभी 100 के करीब हैं, और लाइव आने के लिए आपको मालूम है कि 1000 सब्सक्राइबर कम से कम होने चाहिए, तो वो ऑप्शन उन्हें नहीं मिला है। फिर भी अपने स्तर से लगे हुए हैं, और करीबन इन्होंने बहुत सारे जिलों में अपनी इकाई खड़ी कर दी है, कुछ जिले रह गए हैं। तो दोस्तों इनका हमें सपोर्ट करना है, और मैं कहूं कि आप मेरा ही सपोर्ट कर रहे हैं, अपने आप का ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जब एक जुड़ जाएंगे, एक इकाई के रूप में काम करेंगे, यानी कि हम हर जिले में जुड़े रहेंगे, तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, जो हमारे श्री वृंदावन मीना जी हैं। इनकी लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, फेसबुक पेज से आप जुड़े हैं तो वहां पर शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सबको मैसेंजर में भेजा ही है। आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। तो एक तो काम ये हो गया दोस्तों कि अब हमें जुड़ना है, यदि जमीनी स्तर पर भी काम करना है, कुछ भी मांग करनी है, ध्यान आकर्षण करना, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हमें संगठन इकट्ठा करना होगा, सबको एक साथ रहना होगा, और फिर हम मांग कर सकते हैं। सोशल मीडिया की मांग जारी रहेगी, जगह जगह से ज्ञापन है वो भी समय समय पर दिए जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी हमें अब मांग बहुत बड़े स्तर पर करनी है दोस्तों, क्योंकि मेरे चैनल का कोई उद्देश्य है नहीं, सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग मेरा उद्देश्य है, और जो भाई बहन कम पोस्टों के चलते बाहर हो गए हैं उनकी पोस्टें बढ़ जाए, जिससे कि उन्हें भी लाभ मिल जाए, और इसके लिए श्री रंजीत गौर जी के संगठन से मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ, समर्थन कर रहा हूँ, और वो हर जगह से ज्ञापन इसके लिए दे रहे हैं कि आपकी पद वृद्धि हो जाए। तो
उनकी मुहिम बहुत बड़े स्तर पर बनी हुई है और लगातार प्रयास कर रहे हैं, और बहुत जल्दी वो भी आपको बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हैं जो भी श्री रंजीत गौर से जुड़े हैं। साथ में जो ज्वाइनिंग की बात करें, वेरिफिकेशन की बात करें, तो श्री वृंदावन मीना जी हैं वो सामने आए हैं और आप में से ही आए हैं दोस्तों, तो हमें उनका भी समर्थन करना है। और मेरा एक ही सपना है दोस्तों कि हर कोई जो प्रयास कर रहा है वो मेरा अपना है, वो चैनल उसका ही है, और आप तक बात पहुंचाना मेरा काम हो जाता है दोस्तों, क्योंकि मेरी एक ही उद्देश्य है, या कहूं कि मेरा एक ही स्वार्थ है कि आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए और जो लोग कम पोस्टों के चलते बाहर हो गए उन्हें भी लाभ मिल जाए। दोस्तों बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है, आप ही मुझे शेयर करती हो कि सर कम पदों पर भर्ती की जाएगी, अब स्कूल बंद किए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें। लेकिन मैं कहता हूं कि हम 2018 में हमारा एग्जाम की जो था नोटिफिकेशन निकाला गया था दोस्तों, तो उसी के अनुसार भर्ती होनी है, उसमें जो पोस्टें हैं वो पोस्टें रहेंगी और उन्हीं के लिए हमें प्रयास करना है, इन बातों में नहीं उलझ के रह जाना है। बहुत सारे बयान आते हैं, बहुत सारी फेक न्यूज भी वायरल हो जाती हैं जिनमें ये कहा जाता है कि अब जो आपके एग्जाम लिए गए हैं या जो आपकी भर्ती है वो निरस्त हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, तो इन चीज़ों में नहीं उलझना है। मुझ पर भी बहुत सारे इल्जाम आते हैं कि अब सर के पास कोई टॉपिक नहीं बचा है तो वो बात करते हैं आपकी ज्वाइनिंग जल्द से जल्द हो जाए, वेरिफिकेशन रीस्टार्ट हो जाए, टॉपिक बहुत सारे हैं। ये बहुत सारी गलत फहमी है दोस्तों लोगों के मन में कि टॉपिक्स नहीं है, टॉपिक्स बहुत से हैं। जेल पहरी का टॉपिक्स है, वर्ग 3 के कट ऑफ का टॉपिक्स है, नोट्स बेचने का टॉपिक्स है। यदि मैं नोट्स बेचना शुरू करूं वर्ग 3 के कैसे भी बना के, और मान लो कि 5,000 में उसकी प्राइज रखूं, और मैं हर एक वीडियो में उसके बारे में आपको बताऊं, और करीबन वो वीडियो अगर 8-10 हज़ार या 6-7 हज़ार लोग देखते हैं, उसमें से सिर्फ 20 लोग मेरे वो नोट्स खरीद लेते हैं जिनकी कीमत मैं 5,000 रख दूं, तो हर महीने मुझे लाखों की इनकम हो सकती है। तो वो टॉपिक छोड़ दूं, और मतलब ऐसी ऐसी कल कमेंट आए कि मैंने कमेंट का जवाब देना ही बंद कर दिया दोस्तों, रिप्लाई देता हूं, लेकिन अब ऐसे ऐसे जब कमेंट आते हैं कि ये एक टॉपिक बना के रख रखा है, इससे कुछ हो नहीं रहा, तो एक मन में दुख जरूर होता है उन लोगों के प्रति। तो मैं उनसे यही कहूंगा कि यदि मेरे चैनल से कोई भी प्रॉब्लम्स है तो डेफिनेटली आप उसे अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि अनसब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन पहुँच रहे हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं, ये आपके हाथ के ही काम है दोस्तों। लेकिन मेरा एक ही मकसद है, शुरू से लेकर अभी तक मैंने ना कोई सॉफ्टवेयर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के मेरे पास आते हैं, बहुत सारे कूपन कोड आप शेयर कर दें हमको, आपको इतना कमीशन देंगे, वो मेरा उद्देश्य है ही नहीं है। सीधी सी बात कहूँ, रुपए कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है इस चैनल से, सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो मेरा वीडियो देख रहा है उसने दिन रात मेहनत की है, लाखों रुपए लगाए हैं, उसे एक ज्वाइनिंग मिल जाए, और उसके लिए प्रयास करना है दोस्तों। किसी भी स्तर का प्रयास हो पीछे नहीं हटेंगे, और अतुल कुमार शर्मा तो पीछे हटेगा ही नहीं, क्योंकि उसका यही स्वार्थ है। इसे आप स्वार्थ कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती। जिनके पोस्ट कम है उनकी पोस्ट बढ़ाने के लिए जितनी भी प्रयास करने हो करेंगे, सोशल मीडिया पर जितना भी प्रयास करना हो, जमीनी स्तर पर प्रयास करना हो करेंगे, आपकी वेरिफिकेशन शुरू करने के लिए जितना भी प्रयास करना हो दोस्तों करेंगे ही। ये बीच में उलझ के नहीं रह जानी है कि भैया ये वक्तव्य आ गया, अब न्यूज़पेपर में ये न्यूज आ गई, अब ऐसा होगा, वो चीज नहीं दोस्तों। अब काम करना है, सीरियसली काम करना है। हमने लाखों रुपए लगाकर बीएड डीएड किए हैं, उसके बाद फीस जमा करके एग्जाम दिया है, उसके बाद मेहनत करके अच्छे नंबर लाए, तो फिर ज्वाइनिंग क्यों नहीं? सीधा सा मेरा एक ही सवाल है कि ज्वाइनिंग फिर क्यों नहीं? क्योंकि या तो फिर बीएड डीएड ही नहीं होना था, कि जब उसके बाद कुछ होना ही नहीं है तो फिर बीएड डीएड में क्यों फीस जमा करे कोई, और फिर एग्जाम भी नहीं होने थे, क्योंकि फिर एग्जाम में कोई फीस क्यों जमा करे दोस्तों, है ना? अब जब ये सब चीजें हो रही हैं और फाइनली हमारी मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, उसमें नाम आ चुका है, तो वेरिफिकेशन तो होना चाहिए, और जितने पद हैं उन सब पे ही होना चाहिए, और जो पोस्ट खाली है उन्हें भी जोड़ना चाहिए। बस दोस्तों यही है मांग, और इसमें कुछ अनुचित नहीं है, नियम अनुसार है, जितनी भी नियम पालन हम कर सकते हैं पूरा पालन करेंगे, कोरोना वायरस का जो एहतियात बरतते हुए अपनी मांग रखेंगे, हर जगह से मांग रखेंगे, और एक बड़े स्तर पर दोस्तों मांग करना शुरू करेंगे। तो आई होप कि आप मेरा साथ देंगे, मेरे इस चैनल से आप जुड़े हुए हो, ये आपका एक, मैं कहूँ कि मेरे प्रति एक बहुत बड़ा लगाव है, और अतुल कुमार शर्मा भक्त कुछ आपके लिए ना कर पाया तो फिर इस चैनल को शुरू करने का या इस चैनल पर होने का कोई मकसद नहीं रह जाता दोस्तों, क्योंकि न्यूज जो है वो मैं लाता हूँ,
वो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। जो नियम मैंने आपको समझाए हैं वो आप खुद ही पढ़ लोगे तो खुद ही समझ जाओगे। उसमें अतुल कुमार शर्मा ने कौन सा बड़ा काम कर दिया? जब आपकी मैं ज्वाइनिंग नहीं देख पा रहा हूँ तो इस चैनल पर बैठकर मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे मन में क्वेश्चन आता है। और ज्वाइनिंग आपकी होकर रहेगी, ना तो आपकी भर्ती कैंसिल होनी, ना हम आपके जो पोस्ट हैं जितनी हैं उतनी पर भर्ती होगी, और कोशिश ये रही कि और पोस्टें भी बढ़ाई जाएं, और हर जगह से प्रयास करेंगे, जमीनी स्तर पर प्रयास करेंगे। सिर्फ ये है कि हर जिले से एक संगठन इकाई खड़ी करनी है, हर हालत में करनी है और बहुत जल्दी करनी है, जिससे कि हम आगे की प्रक्रिया जो है उसे क्रियान्वयन कर सके दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों इसमें साथ दें, सब एक साथ हो जाएं। और जिन्हें भी लगता है कि मैं ये टॉपिक पकड़ा हुआ हूँ व्यू या सब्सक्राइबर के लिए, तो उनसे एक ही बात कहूंगा कि भैया आप मेरे चैनल को या तो अनसब्सक्राइब करें या ब्लॉक करें दोस्तों, क्योंकि मेरे लिए ये टॉपिक नहीं है। एक मेरे लिए कहूँ कि मैं इससे बहुत हद तक जुड़ चुका हूँ और अब आपकी ज्वाइनिंग होनी ही चाहिए। कब तक वेट करेंगे? तो ज्वाइनिंग नियम अनुसार और बहुत जल्द से जल्द हो, इसके लिए प्रयास करना ही है दोस्तों। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।